दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया 23 अक्टूबर को मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली है। अब तक यह माना जा रहा था कि कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल इस मैच सहित पूरे टूर्नामेंट में भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ऋषभ पंत को ओपनिंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए ओपनिंग बैकअप प्लान का हिस्सा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऋषभ पंत को ओपन कराने के लिए क्यों भारतीय टीम रणनीति बना रही है, और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि ऋषभ पंत अगर भारत के लिए ओपन करते हैं तो भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने तहलका मचा दिया था। उन्होंने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद में रोहित शर्मा को आउट कर टीम इंडिया में खलबली मचा दी थी। शाहीन ने फिर अपने दूसरे ओवर में केएल राहुल को भी आउट कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ शुरुआती ओवरों में आउट हो गए। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ ओपनिंग करने की योजना भारतीय टीम बना रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पावर प्ले में बाएं हाथ के स्पिनरों का भी इस्तेमाल करता है। इमाद वसीम ने पिछले विश्व कप में यह भूमिका निभाई थी, जबकि अब यह रोल मोहम्मद नवाज को दिया गया है। बाएं स्पिनर के खिलाफ लेफ्टी बल्लेबाज उतारना आक्रामक रणनीति मानी जाती है। आमतौर पर बाएं हाथ का बल्लेबाज ऐसे स्पिनरों को आसानी से खेलता है। ऐसे में ऋषभ पंत शाहीन के साथ साथ नवाज को भी मैनेज कर सकते हैं। ऋषभ पंत अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह दीपक हुड्डा खेलते नजर आएंगे। दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 में जगह मिलने से टीम के पास गेंदबाजी का विकल्प भी होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भारत की प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है। ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। दोस्तों आपके हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।